अब से लेके और जो मॉनसून की पहली बारिश तक कोशिश रहा करेगी कि सुबह की शुरुआत वाटरमेलन से हुआ करे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत। आज 8:12, ऑलमोस्ट 8:15 इन द मॉर्निंग। और ये तो आपने देख ही लिया और बिल्कुल सही मैंने बोला कि अब से लेके मॉनसून की पहली बारिश तक वाटरमेलन से रोज सुबह की शुरुआत हुआ करेगी। ब्रेकफास्ट अगले फेस में, यानी कि तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब, राइट। सो जब तक कोई मजबूरी ना हो, जल्दी भागना ना हो, तो अब ये टाइमिंग रहने वाला है। सुबह उठते ही सबसे पहले वाटरमेलन और उसके बाद सेकेंड फेज में ब्रेकफास्ट किया करेंगे तकरीबन 10 बजे, राइट। सो अभी फिलहाल जो सुबह वाले काम है वो शुरू कर लेते हैं, साथ में वाटरमेलन खा लेते हैं और फिर अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे आपको। तो जी, ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट। चाय है, 100% आटा ब्रेड है और बटर है, और वो पीछे देखो, वो पता है कौन है? एक मिनट, ये लो, अब देखो, वो है ध्रुव राठी, और वो टिका के ना फिर आज बजाने लगा हुआ है। अच्छा लगता है यार, रियल फैक्ट्स लेके आता है सामने आपके, आप उसको जरूर देखा करो, मुझे भी देखा करो यार, मेरे को भी व्यूज दे दो ना थोड़े से, मैं भी तो अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा मैं भी कर सकता हूँ यार। ही इज एक्चुअली अ गुड गाय, राइट। सो थोड़ा इसका शो देख लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर 11 बजे के करीब हमें जाना है कहीं एक काम से। अभी टाइम हुआ है 8:47, 8:45 इन द मॉर्निंग, और मिलते हैं फिर अब रेडी होके, सीधा मिलते हैं। टाइम 11:17 एंड आई एम रेडी विद माई दही। आज शुगर नहीं थी तो आज शुगर फ्री डाल लिया है। इनफैक्ट शुगर से एनर्जी मिलती है पर दही से कामनेस कूलनेस रहती है, पर यार फीकी दही, मतलब वैसे तो मीठी होती है पर वैसे खाने का दिल नहीं कर रहा था तो शुगर फ्री डाल के मीठी कर ली। चलो इसी बहाने दिमाग को थोड़ा ये मिलेगा कि मीठी दही खाई है, राइट। सो फटाफट अभी ये दही खा लेते हैं और हमारे को एक काम है यहाँ पे शंकर गार्डन में, वो निपटाते हैं, उसके बाद फिर अपनी तैयारी करते हैं और फिर हम चलेंगे आज फिर दर्शन सिंह वीर जी के साथ कहीं पे जाके बैठेंगे। कुछ एक ना मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करनी है, वो एक अलग चैनल है, उसके लिए वीडियो एक बनानी है, पर साथ तो जाना ही है ना, राइट। सो फटाफट दही खा लेते हैं, निकलते हैं, शंकर गार्डन का काम निपटाते हैं, फिर आपको मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। निकल गए हैं भाई, आधा काम हो गया, आधा फिर रह गया, फिर देखते हैं कल आते हैं या क्या करते हैं, कैसे होगा यार। ऐसा ही है ना, सारा काम एक बार में हो जाए तो बार बार चक्कर नहीं लगते हैं, बट अब तो लगेगा चक्कर। चलो चलते हैं, अपनी दूसरे काम की तैयारी करते हैं, एक बार घर चलते हैं, सामान सेट करते हैं और फिर निकलेंगे उसके लिए थोड़ी देर बाद, अभी सीधा घर ही चलते हैं। आज फिर ले आए हैं हमारे को ये नेचर के बीच में, पार्क में बैठे हैं, चाय पी ली, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। ये देखो भाई साहब कितने अच्छे हैं ना ये, मैं कंक्रीट के जंगल में खो गया था, ये मेरे को असल वाले जंगल में ले आते हैं। ए फर्स्ट क्लास, चिड़ियों की और पक्षियों की आवाज़ें आती हैं, क्यों जी गिलहरियों की आवाज़ें आती हैं, मैं तो भूल ही गया था गिलहरी की आवाज़ कैसी होती है। थैंक यू, आपने मेरे को दोबारा से दिखा दिया। मैं सचमुच भूल गया था गिलहरी की आवाज़ कैसे होती है। और यहाँ पर आकर ना एक मन को सुकून सा मिलता है, आप भी आ जाया करो यार, जब आना हो ना तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ की लोकेशन डाल दी है, आ जाया करो कभी कभी यहाँ, ठीक है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। अब पहुंचा हूं घर, वहां से निकले हैं तो रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम यार, ट्रैफिक जाम के अंदर ही फंस गए। टाइम हो गया 7:52, ओनली 8 मिनट्स लेफ्ट टू एट एट द नाइट, और अब यहां से निकल रहे हैं, तिलक नगर जा रहे हैं, वहां एक और मीटिंग है। देखता हूं अगर वो लोग आते हैं वीडियो में तो लेता हूं, नहीं तो फिर मीटिंग करके वहां से फ्री होऊंगा ना, फिर अपडेट करता हूं अगला के कहां जा रहे हैं। ये देखो ये आए थे मिलने चंदन बाबू, बातचीत चल रही है, काम बन जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं इनको स्टडी करना है और फिर लखनऊ चलेंगे इनके साथ।
तिलक नगर की मीटिंग के बाद एक और मीटिंग के लिए चले गए थे हम महावीर नगर। यही तिलक नगर के पास में कॉलोनी पड़ती है और अब वहां से फ्री हुए हैं, जबकि टाइम हो गया है 9:56। ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट टू 10 एट द नाइट। और वो मीटिंग से फिर हम एक काम कर रहे हैं, छोटी सी गेड़ी बनती है यार, सारे दिन का स्ट्रेस दिमाग पे भारी, तो उसको हटाने के लिए भी ये मेरी गेड़ी का काम बहुत ज़रूरी हो जाता है। छोटी सी गेड़ी लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चलेंगे घर की तरफ। अभी समझो कि रास्ते में ही थे तो हमने कहा चलो इस तरफ को निकल जाते हैं, या अंधेरी गली आ गई बीच में। बस इतनी सी कहानी है जी आज की। चलो मिलते हैं, गेड़ी खत्म करते हैं, घर चलते हुए फिर मिलते हैं। हो गई जी अपनी छोटी सी गेड़ी कंप्लीट और साथ के साथ एक छोटा सा काम भी था, वो भी ख़त्म कर लिया है। अब चल रहे हैं घर की तरफ और घर चलते चलते रास्ते में से देखते हैं कुछ खाने के लिए भी ले लेते हैं, फिर पहुंचते हैं घर पे और घर चल के मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, व्हाट एवर इट हैपेंस। आ गए फाइनली घर पे, टाइम हो गया है 10:30, 10:30 एट द नाइट, लेट हो गए। और इस वीडियो को कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म। यहाँ तक देख लिए तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। कुछ अच्छा लगा या बुरा तो कमेंट्स के अंदर अपनी भड़ास, अपना आशीर्वाद, प्यार, समर्थन, फीडबैक, सजेशंस, कुछ भी भेज सकते हैं आप। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।